बरसात के दिनों में प्याज के दाम शबाब पर रहते हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा बल्कि इस साल प्याज के दाम बरसात में भी लगातार नीचे सरक रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिन किसानों के पास प्याज का बरसाती स्टॉक है और वो बारिश में ही प्याज बेचने के सपने देख रहे थे, क्योंकि हर साल बारिश के दौरान प्याज के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब प्याज के उन किसानों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। अब वे किसान मंडी में औने पौने दामों पर प्याज बेचने को मजबूर हो गए हैं। देवरी मंडी में पिछले एक सप्ताह से प्याज के दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान 8 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम पहुंच गए थे, जो सोमवार को बढ़कर 18 से 21 रुपए तक आ सके हैं। व्यापारियों की माने तो देवरी मंडी में पीली पत्ती के अच्छी किस्म की प्याज की आवक हो रही है, जिसके दाम 21 रुपए प्रति किलो तक किसानों को मिल रहे हैं। उनका कहना है कि मंडी में प्याज की आवक लगातार होने से आगामी दिनों में प्याज के रेट बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। इस बार बरसात के दौरान प्याज की पौध अच्छी बनने के बाद लगातार किसानों ने प्याज की फसल उगाई है, जिससे आगामी महीनों में प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है। यदि प्याज की बम्पर पैदावार होती है तो लगातार प्याज के दाम भी घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्याज उत्पादक किसानों ने बताया कि इस वर्ष किसानों ने बरसात में 3 से 4 रुपए प्रति किलो रेट में प्याज का बीज खरीदकर पौध तैयार की है। उम्मीद थी कि लोगों को आगामी महीनों में प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन लगातार प्याज की आवक होने और बड़ी तादाद में किसानों द्वारा प्याज का उत्पादन किए जाने के कारण उन्हें लागत मूल्य भी निकालना अब मुश्किल लग रहा है। माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों से बरसात के दिनों में प्याज के दाम आसमान छू जाते थे, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में प्याज 80 रुपए किलो तक बिक जाती थी, लेकिन इस साल 15 से 20 रुपए किलो तक दाम सिमट कर रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।